मैं बिल्कुल ये जानूंगा कि फैशन डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, मॉडलिंग, म्यूजिक, और वो भी ऐसा नहीं कि वो बजा और कहीं खत्म हो गया, वो चार्ट्स पे गया है जी, कोरियन चार्ट्स पे गया है, यूके चार्ट्स पे गया है, यूएसए चार्ट्स पे गया है, सब छोड़ के तो ये असिस्टेंट कमिश्नर बनने का ख्याल कैसे आ गया? प्राइमरली ये नहीं था कि मुझे असिस्टेंट कमिश्नर बनना है क्या, मैं जब भी बस पाकिस्तान आता था मुझे एक बड़ा हिट करता था द कल्चरल डिफरेंस. जैसे मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं फर्स्ट क्लास से लिमो से ट्रैवल करके यहाँ आया हूँ, तो जैसे एयरपोर्ट से निकल मैं कहीं मैं कहाँ आ गया हूँ. ट्रू, द डिफरेंस बहुत ज़्यादा था. यहाँ मैं बड़ी की बड़ी रेस्टोरेंट्स में खा रहा हूँ एंड आई वेयरिंग द बेस्ट क्लोथ, यहाँ लोगों को जूते नहीं पहनने के लिए, तो ये मुझे बड़ा हिट किया. तो मैं कहीं ना कहीं आते दिमाग में बात बैठ गई, मैंने कहा वहाँ क्या कर रहा हूँ, वॉट इज़ द पॉइंट. जितने भी म्यूज़िक हो गया, चार्ट्स हो गए, आई एम नॉट, मैं कुछ सब्सटैंशियल नहीं कर रहा हूँ, नथिंग वर्थ वाइल. वाह वाह, मेरी नज़र में उसको वैल्यू, मेरी नज़र में, शायद लोगों की नज़र में हो एंड दैट्स फाइन, मेरी नज़र में उस चीज़ का वजन नहीं हो रहा था, वैल्यू नहीं आ रही थी, तो मैं खुश नहीं था. और देन मैं ऑब्वियसली रिकॉर्ड के बीच में था, ट्रैवल कर रहा था आई थिंक जापान, तो ऐड आया था एंड मैंने डिसाइड किया कि इम्तिहान देता हूँ, पढ़ने में क्या आ. और उस वक्त लोगों ने काफ़ी कहा तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, चले जा, पाकिस्तान में क्या रहा रखा है, जाओ, वक्त ज़ाया कर रहे हो, ये डंडे की कौम है, ये बहुत कहते डंडे की कौम है. हाँ, किसकी कौम? डंडे की कौम, डंडे की कौम है, तुम चले जाओ. तो लोग बड़ा डिस्करेज कर रहे थे. उधर कहीं ना कहीं ज़िदी तो हूँ, तो ज़िद पे आ गया. मैंने कहा भाई क्यों नहीं, इतने कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ, पर मे बी आई ट्राई डिफरेंट. बस वो दिन आज का दिन आई पास माई एग्जामिनेशन, असिस्टेंट कमिश्नर लग गया. आई वॉज असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू पहले, फिर नॉर्थ नाजाबाद, फिर आप तो देख ही रहे हैं, लगे हुए काम चल रहे. बिल्कुल, मैंने सुना कि कुछ प्लेइंग एरियाज भी आप बना रहे हैं नाजमाबाद में जी. और ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, बिकॉज ये मैंने अभी देखा एक वो इंडिया में किसी ने एक वो वीडियो लगाई, फिर उसके बाद मैंने आज देखा कि क्लिफ्टन के एरिया में भी पिछले कोई 8-10 महीने से ऐसा एक एरिया मौजूद है कि ब्रिज के नीचे जो है वो प्लेइंग एरिया बनाया हुआ. तो आप भी इस तरह की चीज़ें डेवलप कर रहे हैं? सो एक्चुअली जो जब डेवलपमेंट का काम आता है, मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि पब्लिक को इन्वॉल्व करूँ, ये है उनके ही फंड्स, ठीक है, मेरे पास अमानत है, तो उनको मैं बहुत इन्वॉल्व करता हूँ, या उनके लोकल लोगों को, फिर उनकी जो मसलें लिस्ट बन के आती है मेरे पास, फिर जो भी मेरे पास फंड्स होते हैं उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करता हूँ. ठीक है, पहले तो मुझे सेवरेज के मसले ख़त्म कर दूँ जो माशाल्लाह से हो रहे हैं. दूसरा मेरा था कि नॉर्थ नाजमाबाद को लाइटों का सब डिविजन बना दूँ, और लाइटें इंशाल्लाह मैं ईद तक पूरा नॉर्थ नाजमाबाद की ऐसी कोई गली नहीं होगी जहाँ लाइटें नहीं, चमकता दमकता नॉर्थ नाजमाबाद, ये मुझे चाहिए था. तो वो हो रहा है, रोड के मसले, पानी के मसले. यार ये हमारे इलाके में भी मूव कर लें थोड़े दिन के लिए, इधर आए, इधर काम करें, फिर इधर से उधर चले जाएं, ऐसे जंप हॉप एंड हॉप करते रहे थोड़ा. ऐसा आई मीन दस ऐसा तो होता नहीं है वैसे, ये आप गवर्नमेंट को बोलें. पर सो वो था. उसके अलावा मैं हमेशा, मुझे किसी ने टैग किया था एक्चुअली, ये जो भी वीडियो था मुझे किसी ने टैग किया था ट्विटर पर, कोई रहायशी था नॉर्थ नाजाबाद का, कि सर ये यहाँ हो सकता है. मैंने कहा अगर आवाम चाहती है नॉर्थ नाजाबाद तो बिल्कुल हो सकता है. बिल्कुल, तो वहाँ लोग शुरू हो गए, उन्होंने कहा, और आज उसका पेंट शुरू हो रहा है और ग्रिलिंग हो गई है. इसको तो मैंने हफ्ते का भी टाइम नहीं दिया है. क्या बात है यार, क्या बात. देखिए मैं एक बात छोटी सी यहाँ पे करना चाहता हूँ. हाजिम ने जो सोचा वो ज़िंदगी में किया है. देर आर लॉट ऑफ पीपल जो सोचते हैं कि यार सियासत में जाके क्या करेंगे, यार गवर्नमेंट जॉब में जाके क्या करेंगे, ये सारा सिस्टम बदलेगा कौन? मैं, आप, हम जैसे जो लोग हैं, हम बदल सकते हैं इस सिस्टम को. कहीं पे आपको मौका मिलता है, जहाँ पे आपको अल्लाह ताला एक एक ताकत देता है, वहाँ पे आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी फुल फोर्स लगानी है. दिस इज व्हाट हाजिम इज डूइंग राइट नाउ. पूरा साल इंतजार था मुझे, 30 दिन, 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश कप. अब गेम वो होगा जिसे आपका नेम है, जिसने जो करना था कर लिया. लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा. शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान. रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान. नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा. गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग, रोजाना शाम 7 बजे, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर.
बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।